नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। नशेड़ी युवक ने एक वृद्ध व्यक्ति को दांत से काट कर पानी में डुबो कर की हत्या। एक घंटे तक पानी से शव को निकालने से लोगों को करता रहा मना। सूचना पाकर मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने शव नागरिकों के सहयोग से पानी से निकाल कर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। आरोपी युवक को लिया हिरासत में। SP साउथ ने कहा, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर की जाएगी आगे की कार्यवाही। रविवार को मऊधर मंगल गांव में हुई घटना में नामजद तीसरे अभियुक्त जय गोविंद को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 20 साल संवैधानिक पद पर रहने पर आधारित Modi@20 पुस्तक पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, PM मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है भारत। वनों की कटान रोकना है हमारी पहली प्राथमिकता। सुरक्षा दल का किया गया है गठन। रात व दिन में वनों में गश्त करती हैं टीमें। DFO विकास कुमार ने दी जानकारी। कहा, बिना अनुमति के वनों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के वाहन को किया जा रहा है सीज, दर्ज किया जा रहा है मुकदमा। मिश्रित कच्ची शराब के साथ 3 शातिर अभियुक्तों को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पास से 1000 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने का उपकरण किया बरामद, भेजा जेल। घर घर तिरंगा फहराने की तैयारी। बैठक भाजपा के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई संपन्न। जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा, तिरंगा फहराकर वीर बलिदानियों की वीर गाथाओं को करेंगे याद। पूर्वोत्तर रेलवे आजादी के अमृत महोत्सव पर अपनी 2 ट्रेनें गोरखधाम और चौरी चौरा एक्सप्रेस के AC कोचों पर महापुरुष एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लगाए चित्र। CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, सभी रेलकर्मी अपने आवासों पर लगाएंगे तिरंगा। बाल संरक्षण को लेकर SP क्राइम इंदुप्रभा सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पास्को एक्ट से जुड़े विवेचना को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र व योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में वृहद कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। देश विदेश से लोग आकर बाघ संरक्षण पर रखेंगे अपनी राय। CM योगी और फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा के शामिल होने की है संभावना। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 3 कंपनियों ने रोजगार मेले में लिया भाग, विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग। और जटेपुर चौकी प्रभारी ने चलाया वाहन चेकिंग का अभियान। रॉन्ग रूट पर चलने, बिना कागज और बिना हेलमेट के वाहन चालकों का काटा गया चालान। अब खबरें विस्तार से। खजनी थाना क्षेत्र के खोरठा गांव निवासी 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति मंगरू यादव गांव के बाहर पोखरे के किनारे अपने भैंस को चरा रहा था। इसी बीच गांव का ही रहने वाला एक नशेड़ी व्यक्ति अनिल निषाद पुत्र स्वर्गीय रामधनी निषाद ने वृद्ध व्यक्ति मंगरू पुत्र तामेश्वर के पास पहुंचा। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे नाराज नशेड़ी व्यक्ति अनिल निषाद ने वृद्ध व्यक्ति को पानी से भरे गड्ढे में डुबो दिया और दांत से काट कर बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद नशेड़ी व्यक्ति लाश के पास लगभग 1 घंटे बैठा रहा। जब समय माता मंदिर के पुजारी ने घटना देखी तो गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और शव को नागरिकों के सहयोग से पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि खजनी थाना क्षेत्र के खोरठा गाँव में एक बुजुर्ग व्यक्ति को गाँव के ही एक व्यक्ति ने डुबो दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है और शव को भी
निकालने नहीं दे रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर गांव के नागरिकों के सहयोग से मृतक का शव तालाब से निकाला और जिस व्यक्ति के ऊपर घटना कारित करने का आरोप है उसे भी लोगों की मदद से हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, ले बाहर नहीं काटी इसे पकड़ लो, इसे पकड़ ले बाबू, ले पकड़ के बाहर ले, पकड़ ले, हां पैसे पकड़ ले रे, तो मां तो मान ला, मान ला, पकड़ ले रे। खजनी थाना क्षेत्र में दर्ज कुडुबा को मारने का मामला सामने आया है, क्या आज सूचना मिली भी थोड़ी देर पहले कि थाना क्षेत्र खजनी के खोरठा गांव में एक व्यक्ति को जो लगभग 65 साल के हैं उनको एक नौजवान आदमी ने तालाब में डुबो दिया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है और शव को भी नहीं निकालने दे रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और वहां से ग्रामवासियों के सहयोग से मृतक का शव तालाब से निकाला गया है और जिसने ये घटना कारित की, जिस पर आरोप है, उसे भी सबकी मदद से हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर अभी प्राप्त हो रही है, तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग दर्ज कर लिया जाएगा, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही होगी और तहरीर के आधार पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति से आगे पूछताछ करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। खजनी पुलिस ने मऊधर मंगल गांव की घटना में शामिल तीसरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को मेडिकल कॉलेज गेट से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान जय गोविंद पुत्र राम सेवक निवासी मऊधर मंगल थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त घटना में शामिल था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, बाकी अभियुक्तों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में इकरार अहमद, उपनिरीक्षक अविनाश कुमार, कांस्टेबल हर्षवर्धन वर्मा, आशीष रंजन शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, मऊधर मंगल में दो पटीदारों ने जो आपस के विवाद में गोली चलाई थी, उसका अभियोग उसी समय पंजीकृत हो गया था। दो अभियुक्त उसके गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। आज तीसरा अभियुक्त भी खजनी पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल आज भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 20 साल संवैधानिक पद पर रहने पर आधारित मोदी एट द रेट 20 पुस्तक को लेकर प्रमुख प्रबुद्ध संगोष्ठी मुख्य अतिथि पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी द्वारा नेपाल क्लब में आयोजित किया गया। इसके संबंध में पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सपनों को पूरा किया है, इसलिए मोदी युवाओं के रोल मॉडल हैं। भारत युवाओं के सबसे बड़े आदर्श हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए नारी सशक्तिकरण का प्रयास मोदी ने किया तथा लोगों के सपनों को शीशे में उतारा। मोदी ने हर गरीबों को आवास, स्वास्थ्य, बीमा, उज्ज्वला योजना, इज्जत घर, जनधन योजना दिया।
मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया में भारत का नाम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शासन 20 वर्षों में मोदी ने ऐतिहासिक किया है। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रवक्ता अजय मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर आरती श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, नितिन द्विवेदी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, अखिलानंद त्रिपाठी, कृष्ण कुमार मिश्र, परमानंद सिंह, गिरीश त्रिपाठी, देवेश श्रीवास्तव, राहुल गिरीश सहित अधिवक्ता एवं भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश त्रिवेदी ने कहा, उनमें से मैं सम्मानित करने के लिए विशिष्ट वक्ता अरत माता का चित्र देकर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। दीप्तिमान जी, और इसमें संगोष्ठी के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सतीश द्विवेदी जी, आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, नवल अकेडमी के चेयरमैन आदरणीय संजय त्रिपाठी जी, आदरणीय चंद साहब, डिलीवरी अमेजन पर उपलब्ध है, बहुत सारे माध्यमों पर उपलब्ध है। आज इसी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। शहर के और आसपास के सभी सम्मानित प्रबुद्ध जन आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में। प्रत्यक्ष रूप से तो उनका सानिध्य नहीं मिला, लेकिन हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कुछ बताना इस समय सूरज को दिया दिखाने जैसा ही होगा। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री जब बने थे 7 अक्टूबर 2001 को, तब से लेकर उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने तक लगभग देश उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो चुका था। और जब हमको याद है सितंबर 2013 जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के लिए आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया था अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उस समय तक गुजरात मॉडल दुनिया भर में एक विकास के मॉडल के रूप में सामने आ चुका था। और सपने कैसे पूरे किए जाते हैं, सपनों को सच में कैसे बदला जाता है, ड्रीम कैसे डिलीवरी उम्मीद करते हैं, ये झलक मोदी जी ने देश को दिखा दी थी। और उसी का परिणाम था कि पार्टी ने कोई देश पर निर्णय नहीं सौंपा था, देश की जनता की मांग थी, कार्यकर्ताओं की मांग थी, संगठन की मांग थी कि मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। और पार्टी ने उस समय घोषणा की थी, शायद मैं अगर सही हूं तो भारत के इतिहास में पहली बार जितनी चुनाव नेहरू जी का चेहरा देखकर हुआ होगा, इंदिरा जी का चेहरा देखकर हुआ होगा, अटल जी का चेहरा देखकर हुआ होगा, लेकिन विधिवत औपचारिक रूप से भारतीय इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की। क्योंकि सामान्यतः एक साधन राजनीतिक दल आज दुनिया का कोई मंच हो, ब्रिक्स का हो, IQ-U2 का हो, यूएनओ का हो, दुनिया का कोई मंच हो, आज वो भारत और भारत के नेतृत्व को इग्नोर नहीं कर सकता। दुनिया कह रही है कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर रहा है, तो तभी होगा जब उसकी पहल मोदी जी करेंगे। आज ये बदलाव भारत की वैदेशिक नीति में भी आया है। मैंने कोशिश की है कि मैं
मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर कोई भाषण ना करूं, क्योंकि मैं उस योग्य भी नहीं हूं और आप इसे सब मुझसे ज्यादा वो बातें जानते हैं जिन लोगों ने ये किताब अभी नहीं पढ़ी है और शिक्षा पूरी बताई भी नहीं जाती है। नहीं तो उसको देखने का क्रेज खत्म हो जाता है। जितनी बातें मैंने कही है केवल एक एक अध्याय का केवल इंट्रो किया है, केवल एक परिचय किया है। आप एक एक अध्याय में जो सागर जैसा व्यक्तित्व और हिमालय जैसा कृतित्व जो समाहित है मोदी जी का, वो सब आपको देखने और पढ़ने को मिलेगा। अभी तक हिंदी वर्जन था, इंग्लिश वर्जन भी आ गया है। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो एक ज्ञान का भंडार मिलेगा और आपको लगेगा कि वो सपने जो पढ़ेगा किताब उसको लगेगा वो सपने जो मैंने देखे, वो सपने जो मेरे परिवार ने देखे, वो सपने जो मेरे जाति मेरे वर्ग मेरे समाज ने देखे, वो सपने जो मेरे गाँव ने देखे, वो सपने जो मेरे प्रदेश ने देखे, वो सपने जो मेरे देश ने देखे, वो सपने जो मोदी जी ने देखे, वो सपने जो भाजपा ने देखे, वो सपने जो संघ ने देखे, वो सपने जो हम सब ने देखे थे, वो सारे सपने कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ पूरे हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में। इसीलिए मोदी एट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी इस पर देश भर में चर्चा करने का निर्णय पार्टी ने लिया है। ये चर्चा आपके माध्यम से नीचे तक जाए यही आग्रह करते हुए, और गोरखपुर तो मेरे लिए सीखने की भूमि रही है, समझने की भूमि रही है। देखिए मोदी जी ने शासन के 20 वर्ष जो इस देश में बिताए हैं, 12 साल 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 7 साल पूरे हो गए, 8वां साल चल रहा है इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने इस देश के आकांक्षाओं इच्छाओं और देश के एक साधारण नागरिक के सपनों को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए जो प्रयास किया है, सरकारी नीतियों का जिस तरह से क्रियान्वयन किया है और गरीब से गरीब पिछड़े से पिछड़े वर्ग की आकांक्षाओं को जो पूरा किया है, उसका वर्णन इस किताब में है, जो अंग्रेजी वर्जन जिसका है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, सपने पूरे करने का जो प्रयास मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन के माध्यम से समाज के बीच में उन कामों को ले जाना चाहती है, इसलिए नहीं कि मोदी जी के काम को लोग जानें, इसलिए कि भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर रहा है, विकास के नए प्रतिमान बिगड़ रहा है, उसकी जानकारी जनता को मिल सके। वनों की कटान रोकने पर GFO विकास कुमार ने कहा कि वनों की कटान रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गोरखपुर के जंगल बहुत कीमती जंगल है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा साखू सागौन के पेड़ सबसे ज्यादा हैं, जिसके कटान को रोकने के लिए वन विभाग के कर्मचारी दिन व रात में गश्त करते हैं। यदि किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां पाई जाती हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही वनों के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई है, जिसके लिए वनों के प्रवेश मार्ग पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। इसके बाद भी कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके वाहन को जब्त किया जाता है और कहीं पर भी पेड़ कटान की सूचना मिलती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। लकड़ी बरामद करके अभियुक्त को जेल भेजा जाता है तथा अधिक से अधिक जुर्माना वसूल किया जाता है। उन्होंने बताया कि वनों की कटान को रोकने के लिए सुरक्षा दल का गठन किया गया है, जिसमें 6 से 7 टीमें शामिल हैं जो सबकी गतिविधियों पर नजर रखता है और कहीं पर भी सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DFO विकास कुमार ने कहा, वनों की कटान रोकने के लिए वन विभाग क्या क्या प्रयास कर रहा है? देखिए वनों का कटान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता से एक है। गोरखपुर के जंगल हैं बहुत ही कीमती जंगल हैं, यहाँ साल और साखू की लकड़ी जंगलों में विद्यमान है और इसके लिए हम लोग ने जो है चौतरफा एक तरह से हम लोगों ने प्लान बनाया है। पहला इसमें हम लोग हमारा जो स्टाफ है वो पूर्णतः सजग होते हुए दिन और रात में गश्त करता है, पूरे इलाके में भ्रमण करता है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों की पाई जाती हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। दूसरा इसमें है कि हम लोगों ने जंगल के अंदर अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाई है और इसी के संबंध में जितने भी मुख्य प्रवेश अंदर जाने के हैं या जिससे जो है ग्रामवासी या जा सकते हैं या कोई इलीगल एक्टिविटी करने लोग जा सकते हैं, उस पर हम लोगों ने बोर्ड इसी संबंध में बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं और उसमें सुरक्षा खाई हम लोगों ने गुदवा दी है, बैरियर लगवा दिए ताकि कोई भी अनाधिकृत इसमें प्रवेश ना करने पाए। फिर भी यदि कोई अनाधिकृत प्रवेश करता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाती है, उसके वाहन को जब्त किया जाता है। और तीसरा हम लोग प्रयास करते हैं कि कभी भी अगर किसी भी तरह का कोई भी अवैध गतिविधि हुई
यदि कोई पेड़ कटान की हमें समस्या मिलती है तो उस पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई करते हैं। लकड़ी बरामद की जाती है, जो अभियुक्त होता है उसको जेल भेजा जाता है और अधिक से अधिक उस पर जुर्माना वसूल किया जाता है। हम लोगों ने जो है एक सुरक्षा दल का भी गठन किया है, जो उड़न दस्ता भी हम कह सकते हैं, जो केवल इसी काम के लिए लगा हुआ है और सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे वो आरा मशीन हो, किसी के घर में हो या हमारे जंगल में हो। और उसके साथ ही हम लोगों ने जो चौथा हम लोगों ने प्रयास किया है, वो हम लोगों ने कमांड सेंटर स्थापित किया है, जिस पर कोई भी जो है 24 आवर्स में कभी सूचना दे सकता है। सूचना मिलने पर हम लोग उसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं। सर, कुल कितनी टीमें लगाई हैं गश्त की? गश्त की जो टीम है, हर रेंज में एक एक टीम है और उस टीम में लगभग 5 से 6 लोग हैं जो कि लगातार गश्त करते रहते हैं। और एक जो टीम है पूरे जो है प्रभाग स्तर पर, गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन स्तर पर एक टीम है जिसमें 5 लोग हैं। तो इस तरह मिलाकर लगभग 6 से 7 टीमें हमारी जो है लगातार जंगलों में गश्त करती रहती हैं। राजघाट पुलिस ने अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को अमरूद बाग चक्रा अव्वल से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रामपुत्र दशरथ निवासी बहरामपुर दक्षिणी थाना गीरा जिला गोरखपुर, दूसरा सिकंदर पुत्र स्वर्गीय कमलाकांत निवासी माथ बाजार बाजार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, तीसरा झिनक उर्फ चिक्कन पुत्र स्वर्गीय मुरली निवासी बहरामपुर दक्षिणी थाना गीडा जिला गोरखपुर के रूप में हुई है। जिनके पास से 1000 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3 किलोग्राम यूरिया व 10 किलोग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने के उपकरण, 12 एल्यूमिनियम के भदेले एवं 5 प्लास्टिक नल की लगे टीन के ड्रम को बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, कांस्टेबल मंगलदीप यादव, अशोक यादव, देश सिंह शामिल रहे। देश आज़ादी का 75वां वर्ष 15 अगस्त 2022 को पूर्ण कर रहा है, जिसे देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। पूरे देश में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी पूरे जोरों पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ इस महोत्सव की तैयारी में जुटा है। इसी क्रम में भाजपा जिला इकाई द्वारा रानीडीहा स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर हर घर तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी बैठक जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि देश की गौरवशाली संस्कृति सभ्यता की अविरल पहचान को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर लाने का कार्य हुआ है। देश विश्व गुरु की भूमिका में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को भाजपा पूरे उत्साह के साथ मना रही है। 15 अगस्त 2022 को देश आजादी का अपना 75वां वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस अमृत महोत्सव में देश के जन जन की भागीदारी हो रही है। हर घर तिरंगा फहराकर आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों के वीर गाथाओं को पूरा देश याद करेगा। बैठक का संचालन भाजपा जिला महामंत्री सबल सिंह पालीवाल ने किया। बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य, मनोज कुमार शुक्ला, शेषमणि त्रिपाठी, जगदीश चौरसिया, जिला महामंत्री डॉक्टर आर डी सिंह, ब्रह्मानंद शुक्ल, मंडल प्रभारी नसीब अहमद, शत्रुधन कौसौधन, जिला मीडिया प्रभारी के एम मजवार, सोशल मीडिया जिला संयोजक सूरज निगम, राम उजागिर शुक्ल, जिला कार्यालय मंत्री जनार्दन श्रीवास्तव, स्वतंत्र सिंह, रमानंद यादव आदि लोग उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा, अभियान का जिले का संयोजक, जिले का पूरा व्यवस्था देखने के लिए संयोजक का कार्य मेरे जिम्मे, मेरे साथ का संयोजक जिले के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री जगदीश चौरसिया जी, और आईटी विभाग का काम देखने के लिए जिला आईटी संयोजक अभी दर्शन के बाहर गए हुए हैं श्री इंद्र कुमार निगम जी है। यह तीन लोग जिले में क्षेत्र में रहेंगे। सहजनवा के लोकप्रिय विधायक और क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ल जी इस कार्यक्रम में, इसी तरह की रक्षा हर जिले में बनी है जो क्षेत्रीय टीम देखेगी।
जिले की तरफ से आप सबके साथ बराबर संवाद संपर्क सहयोग करते हुए इस कार्यक्रम की महत्ता को आम जनता तक पहुंचाने के लिए यह कितना महत्वपूर्ण विषय है जिसको आम जनमानस के मन मस्तिष्क में ठीक प्रकार से यह भाव आवे, राष्ट्रीयता का बोध हो, आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाए जाने का उद्देश्य आगामी 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे इस देश को स्वतंत्र होना। हम 75वें वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के आज की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। आज की इस बैठक में मंच पर उपस्थित तिरंगा अभियान के संयोजक के रूप में गोरखपुर जिले के महामंत्री आदरणीय सबल सिंह पालीवाल जी, सह संयोजक के रूप में मंच पर उपस्थित जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश चौकिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर राडी सिंह जी, श्री राजा राम कन्नौजिया जी, श्री ब्रह्मानंद शुक्ल जी, हमारे सम्मानित घर घर तिरंगा अभियान, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2022 को इस देश को स्वतंत्र हुए 75वां वर्ष है और उस 75वें वर्ष में सरकार और संगठन के द्वारा पूरे देश में हर घर तिरंगा फहराया जाएगा इस अभियान को लेकर के आज की बैठक हम लोगों ने किया है और ये निश्चित है कि हम सभी लोग हर घर में भारत के हर कोने में हर घर में तिरंगा फहराने का कार्य किया जाएगा। 31 जुलाई को मोदी जी मन की बात करेंगे। 31 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करेंगे और उस मन की बात में ही हम बूथों की समीक्षा करते हुए बैठक करेंगे और इस तिरंगा यात्रा की तैयारी करेंगे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। नशेड़ी युवक ने एक वृद्ध व्यक्ति को दांत से काट कर पानी में डुबो कर की हत्या। एक घंटे तक पानी से शव को निकालने से लोगों को करता रहा मना। सूचना पाकर मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने शव नागरिकों के सहयोग से पानी से निकाल कर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। आरोपी युवक को लिया हिरासत में। SP साउथ ने कहा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर की जाएगी आगे की कार्यवाही। रविवार को मऊधर मंगल गांव में हुई घटना में नामजद तीसरे अभियुक्त जय गोविंद को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 20 साल संवैधानिक पद पर रहने पर आधारित मोदी एट द रेट 20 पुस्तक पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा PM मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है भारत। वनों की कटान रोकना है हमारी पहली प्राथमिकता। सुरक्षा दल का किया गया है गठन। रात व दिन में वनों में गश्त करती हैं टीमें। DFO विकास कुमार ने दी जानकारी। कहा बिना अनुमति के वनों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के वाहन को किया जा रहा है सीज, दर्ज किया जा रहा है मुकदमा। मिश्रित कच्ची शराब के साथ 3 शातिर अभियुक्तों को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पास से 1000 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने का उपकरण किया बरामद, भेजा जेल।
घर घर तिरंगा फहराने की तैयारी बैठक भाजपा के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई संपन्न। जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा, तिरंगा फहराकर वीर बलिदानियों की वीर गाथाओं को करेंगे याद। पूर्वोत्तर रेलवे आजादी के अमृत महोत्सव पर अपनी दो ट्रेनें गोरखधाम और चौरी चौरा एक्सप्रेस के एसी कोचों पर महापुरुष एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लगाए चित्र। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, सभी रेल कर्मी अपने आवासों पर लगाएंगे तिरंगा। बाल संरक्षण को लेकर एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पास्को एक्ट से जुड़े विवेचना को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र व योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में वृहद कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। देश विदेश से लोग आकर बाघ संरक्षण पर रखेंगे अपनी राय। सीएम योगी और फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा के शामिल होने की है संभावना। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 3 कंपनियों ने रोजगार मेले में लिया भाग, विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग। और जटेपुर चौकी प्रभारी ने चलाया वाहन चेकिंग का अभियान। रॉन्ग रूट पर चलने, बिना कागज और बिना हेलमेट के वाहन चालकों का काटा गया चालान। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596
4646। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरा देश आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और पूर्वोत्तर रेलवे आजादी के अमृत महोत्सव में अनेकों कार्यक्रम कर रही है, जिसके संबंध में सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और रेलवे आइकॉनिक वीक के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दो ट्रेनें गोरखधाम एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस के एसी कोच पर महापुरुष एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के चित्र लगाए गए हैं तथा साथ ही साथ 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लगाने की मुहिम चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत सभी रेलकर्मी अपने आवास पर तिरंगा लगाएंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस मुहिम से जुड़े और सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, इस 15 अगस्त को आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा रेलवे कर्मचारी को अपने घर पर खुद लगाना होगा, क्योंकि आजादी का महोत्सव और देशभक्ति सबकी है, इसलिए सभी लोग अपने खुद घरों पर तिरंगा लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस क्रम में रेलवे अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिनमें से अभी 18 से 23 जुलाई के बीच में हम लोगों ने आइकॉनिक वीक का सेलिब्रेशन किया। इसके बाद हम लोगों ने एक रेक है गोरखधाम और चौरी चौरा में चलती है, उसके एक एसी कोच में हम लोगों ने उसके विंडो पर महापुरुषों के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र लगाए हैं। साथ ही साथ 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर पर तिरंगा लगाने की मुहिम भी हम लोग चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत सभी रेलकर्मी अपने आवास पे तिरंगा लगाएंगे। और सभी दर्शकों से भी मेरी अपील है कि इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि इस 15 अगस्त हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस अवसर पर सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और इसको अच्छे से मनाया जाए, ऐसी अपील है। सर, क्या रेलवे तिरंगा प्रोवाइड कर रहा है कि कर्मचारी अपने? जो आवासों पे तिरंगा लगाना है वो कर्मचारी को खुद परचेज करके लगाना है। ये देशभक्ति और ये जो आज़ादी जो हम मना रहे हैं 75वीं वर्षगांठ, ये सबकी है। हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि तिरंगा खुद से परचेज करें और परचेज करके लगाएं। इसमें जो फ्लैग कोड है उसमें भी काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा। जो गाइडलाइन इशू हुई हैं उसमें ये भी बताया गया है कि साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो होना चाहिए 3:2 का रेशियो होना चाहिए, प्रॉपर जो झंडे का सम्मान होना चाहिए वो होना चाहिए कि उस झंडे से ऊपर कोई और झंडा आपके घर में ना लगाओ, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। हम लोग मीटिंग्स में और अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके भी जिन ऑफिस के जो यूनिट इंचार्ज हैं उनको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है, उनसे भी बात करी गई है कि इस बार 75वीं वर्षगांठ जब हम लोग मनाएं तो सभी रेलकर्मी अपने आवासों पर तिरंगा झंडा लगाएं। एसपी क्राइम इंदु प्रभाल सिंह ने बाल संरक्षण को लेकर पुलिस लाइन के सभागार में अधिकारियों के साथ मासिक बैठक की, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभाल सिंह ने बताया कि यह बाल संरक्षण की मासिक बैठक थी जो कि हर महीने की जाती है, जिसमें विभाग के लोग शामिल हुए हैं जो कि बाल संरक्षण से संबंधित है। उन्होंने कहा, बैठक में बच्चों की समस्याओं, पास्को एक्ट, जेजे एक्ट पर चर्चा की गई है। अगर विवेचकों को न्यायालय से किसी तरह की समस्या आती है तो न्यायालय से आए लोगों से समाधान की बात की जाती है। अगर बच्चों
को रखने में किसी को किसी तरह की समस्या होती है तो उस पर चर्चा की जाती है। मेडिकल में किसी को किसी तरह की समस्या होती है तो उस पर चर्चा की जाती है। जो बच्चे कार्य कर रहे हैं उनको रेस्क्यू करके बाल संरक्षण केंद्र भेजा जाता है और बाल संरक्षण के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है और सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। उन्होंने कहा सभी अधिकारियों को विवेचना को समय से पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, उप निरीक्षक आलोक सिंह, सर्वेश कुमार राय, डॉक्टर मुमताज खान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा अपराधों के समस्त प्रकरणों की विवेचना करना, नेक्स्ट SJPU की मासिक बैठकों व प्रशिक्षण शिविरों से संबंधित सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करना। आप राजेश पल साहब है, सहायक अभियोजक के द्वारा कुछ आपको ज्ञान दर्शन दिया जाएगा। SBR रिपोर्ट आ रही है, उसमें नहीं आ रही है। और आती है अगर वहीं बैठ करके ध्वज लेकिन मेरे देखने में जो आता है वो यही होता है। रिमांड आई है, पता चला बच्चे को प्रस्तुत करना है तो बोला जा रहा है कि हाँ भेजो। अच्छा तो बड़ा करें ठीक है कि आगे भी ये काम आती रहती है। तो जो शैक्षिक प्रमाण पत्र दिया जिसने लड़के ने, तो विवेचक ने उस पर रिपोर्ट ले लिया उनसे कि मेरे यहाँ पढ़ा हुआ है कक्षा 8, मेरा लड़का यहाँ पढ़ा है कक्षा 5। तो टीचर बुलाया गया तो टीचर ने कहा कि विद्यालय 8 तक नहीं है, जबकि विवेचक महोदय ने उसके जो रिपोर्ट और उसकी स्थिति में मैंने दे दिया। तो यहाँ सर ये हमारा विद्यालय में उसकी एक कॉपी ले लें, उसमें लिखा होता है कि इस क्रम समान क्रम संख्या पे इनका नाम दर्ज है जिसके आधार पे इनकी नंबर की है, उसकी एक कॉपी और अटेस्टेड कॉपी उसकी मंगा लें। वो ज्यादा अथेंटिक हो जा रहा है, हम लोग इसको प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर चुके हैं, हम लोग ले रहे हैं सब लोग दे रहे हैं सारे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सुन लीजिए कि आप लोग योजनाएं कर रहे हैं उसमें इस तरह की डिस्क्रिपेंसी आ रही है कि जो विद्यालय का प्रबंधक या प्रिंसिपल है उसको कोई नहीं पता कि उसका स्कूल कहाँ तक है। वो सर्टिफिकेट दे रहा है ग्रेड करता है और बार बार कर 5वें तक के विद्यालय में उसका, जिसमें कि अभी जाँच चल रही है। तो आप लोग जब ये सर्टिफिकेट देते हैं, वो लोग प्रमाण पत्र देते हैं प्रिंसिपल्स, तो उस जिस रजिस्टर पर उसका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है उस रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उसे ले लीजिए ठीक है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, विवेचना जब करते हैं तो प्रिंसिपल जो लिख के देता है उसी को हम लोग लेके चलते हैं ठीक है। अब जैसे ये केस बता रहे हैं उसमें प्रिंसिपल खुद ही बता रहे हैं कि कभी पागल हो जाता हूँ मैं, कभी मैं सही नहीं हो सकता बच्चा। तो मतलब इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं तो आप लोग उसके रजिस्टर की कॉपी ले लें, उससे बोले प्रमाणित कॉपी दो तुम ठीक है ना, ताकि आगे इस तरह की दिक्कतें ना आए। ये आज SJPU की बैठक हुई थी, एक समन्वय बैठक होती है जो हर महीने इसको कन्वीन किया जाता है, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं जो कि बच्चों के वेलफेयर से संबंधित होते हैं, प्रशासनिक भी और जुडिशियल भी और पुलिस के भी डिपार्टमेंट और अन्य जो शेल्टर होम्स हैं उनके भी जो ओनर्स होते हैं या प्रबंधक होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं, जिसपे हम बच्चों से रिलेटेड समस्याओं को और जो पॉक्सो एक्ट है, JJ एक्ट है उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर विवेचकों को कोई समस्या है तो उसका भी समाधान जो जुडिशरी की तरफ से आते हैं जीडी साहब या कोई भी
वो उसका समाधान बताते हैं। और अगर बच्चों को रखने में कहीं पे जैसे उनका मेडिकल है या 144 के दौरान अगर उनको रखने की कोई समस्या होती है तो उसमें भी हम लोग चर्चा करते हैं। मेडिकल में अगर कोई समस्या होती है तो उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से लोग होते हैं, उस पर चर्चा की जाती है। इनऑल जो बच्चों का वेलफेयर है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। और बच्चे जो भिक्षावृत्ति में हैं या लेबर चाइल्ड लेबर हैं उनको भी रेस्क्यू किया जाता है और जैसे समय समय पर अभियान चलते हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाती है, क्योंकि इसमें सभी थानों से जो बाल कल्याण अधिकारी हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। मैम कुछ निर्देश भी दिए गए आगे क्या आपको? निर्देश ये कि जो विवेचनाएं हैं उसमें जो फॉर्म्स वगैरह हैं एक्ट के अनुसार, क्योंकि अभी हाई कोर्ट इसमें काफ़ी संजीदा है पॉक्सो एक्ट की विवेचनाओं को लेकर के, तो उसमें जो निर्देश आते रहते हैं और जो नियमानुसार एक्ट के अनुसार है उसके संबंध में कार्रवाई करें, जो फॉर्म्स वगैरह हैं उसको प्रॉपरली फिल करें और समय से उसका निस्तारण करें। जनपद में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान केंद्र में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके संबंध में डीएफओ विकास यादव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर गोरखपुर में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाघ के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे जो कि योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह व शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान केंद्र में आयोजित होगा, जिसके लिए एक हफ्ते से विभिन्न स्कूलों में वाद विवाद रंगोली चित्रकला निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है जो कि लगातार चल रहा है। गुरुवार को नौकायन से लेकर चिड़ियाघर तक मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी व आम नागरिक भाग लेंगे, जिससे अधिक से अधिक बाघ के बारे में व उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। 29 जुलाई को वन विभाग के द्वारा एक वृहद आयोजन किया जाएगा, जिसमें नेपाल भूटान व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के साथ बाघ संरक्षण के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं वह लोग आएंगे, जिसमें मंत्री व मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिससे युवाओं में एक नया जोश व जागरूकता फैलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा, गीता इंटरनेशनल टाइगर डे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर इस बार गोरखपुर में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है बाघ के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे और इसमें जो हमारा बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह है इसमें आयोजन किया जाएगा। इसकी क्रम में हम लोग जो है पिछले 7 दिनों से विभिन्न स्कूलों में कॉलेजों में और चिड़ियाघर में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता, इस तरह की काफ़ी प्रतियोगिता हम लोग आयोजन कर रहे हैं, लगातार ये सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में कल जो है सुबह 28 तारीख को सुबह 7 बजे रन फॉर टाइगर का आयोजन किया जाएगा। रामगढ़ ताल एरिया जो है जो बौद्ध द्वार से लेकर चिड़ियाघर तक एक मैराथन का आयोजन किया जाएगा, इसमें विभिन्न स्कूलों के और कॉलेजों के विद्यार्थी और जो आम जनगण हैं वो इसमें भाग लेंगे, ताकि अधिक से अधिक जो है टाइगर के बारे में उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इसी क्रम में जो है अंतिम कड़ी में 29 तारीख को एक बृहद आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग द्वारा किया जाएगा, इसमें नेपाल से भूटान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के साथ साथ बाघ संरक्षण के लिए जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं वो लोग आएंगे, प्लस जो है हमारे माननीय मंत्री जी भी इसमें आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन की संभावना है और इसी के साथ ही जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं बाघ संरक्षण के लिए इसमें प्रतिभाग करेंगे। हाँ, उनको भी उनका आमंत्रित किया गया है इस प्रोग्राम के लिए और उनके आने से भी जो है सभी लोग में नया जोश और जो युवा हैं उनमें जो है जागरूकता अधिक से अधिक में फैलेगी। जनपद में कचहरी स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 3 कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें विद्यार्थियों ने 3 कंपनियों में इंटरव्यू देकर रोजगार को पाया, जिसके संबंध में सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी पवन कुमार पटेल ने बताया कि रोजगार मेले में 356 विद्यार्थियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3 कंपनियां आई हुई हैं, जिसमें LIC, रेपिडो,
केयर हेल्थ इंश्योरेंस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में विद्यार्थी आ रहे हैं और काफी रुचि लेकर इंटरव्यू दे रहे हैं। धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इंटरव्यू के बाद विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और कंपनियां उनसे संपर्क करेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी पवन कुमार पटेल ने कहा, सहायक सेवा आयोजन अधिकारी गोरख। कुल वैकेंसी जो है 356 है और तीन कंपनियां आई हुई हैं, जिसमें LIC है, एक रूपम ट्रांसपोर्टेशन है, तीसरा जो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस है। और बच्चे काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं उसमें, और धीरे धीरे संख्या भी बढ़ रही है। अभी जो है रोजगार मेले के उपरांत यहाँ पे जो है सभी को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और कंपनियों द्वारा उन बच्चों से संपर्क किया जाएगा। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर बुधवार को गोलघर स्थित जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र राय द्वारा वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि जो लोग बिना हेलमेट, बिना गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वालों को रोककर चेक किया गया तथा चालान भी काटा गया और हिदायत दिया गया कि बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन ना चलाएं तथा अपने साइड से ही वाहन को चलाएं और रेड सिग्नल का पालन करें। अगर कोई रॉन्ग रूट बिना कागज और बिना हेलमेट का चलता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। नशेड़ी युवक ने एक वृद्ध व्यक्ति को दांत से काट कर पानी में डुबो कर की हत्या। एक घंटे तक पानी से शव को निकालने से लोगों को करता रहा मना। सूचना पाकर मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने शव नागरिकों के सहयोग से पानी से निकाल कर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। आरोपी युवक को लिया हिरासत में। एसपी साउथ ने कहा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर की जाएगी आगे की कार्यवाही। रविवार को मऊधर मंगल गांव में हुई घटना में नामजद तीसरे अभियुक्त जय गोविंद को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार भेजा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 20 साल संवैधानिक पद पर रहने पर आधारित मोदी एट द रेट 20 पुस्तक पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है भारत। वनों की कटान रोकना है हमारी पहली प्राथमिकता। सुरक्षा दल का किया गया है गठन। रात व दिन में वनों में गश्त करती हैं टीमें। डीएफओ विकास कुमार ने दी जानकारी। कहा बिना अनुमति के वनों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के वाहन को किया जा रहा है सीज। दर्ज किया जा रहा है मुकदमा। मिश्रित कच्ची शराब के साथ तीन शातिर अभियुक्तों को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पास से 1000 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने का उपकरण किया बरामद भेजा जेल। घर घर तिरंगा फहराने की तैयारी। बैठक भाजपा के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई संपन्न। जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा तिरंगा फहराकर वीर बलिदानियों की वीर गाथाओं को करेंगे याद। पूर्वोत्तर रेलवे आजादी के अमृत महोत्सव पर अपनी दो ट्रेनें गोरखधाम और चौरी चौरा एक्सप्रेस के एसी कोचों पर महापुरुष एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लगाए चित्र। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा सभी रेल कर्मी अपने आवासों पर लगाएंगे तिरंगा। बाल संरक्षण को लेकर एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पास्को एक्ट से जुड़े विवेचना को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र व योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में वृहद कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। देश विदेश से लोग आकर बाघ संरक्षण पर रखेंगे अपनी राय। सीएम योगी और फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा के शामिल होने की है संभावना। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 3 कंपनियों ने रोजगार मेले में लिया भाग। विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग। और जटेपुर चौकी प्रभारी ने चलाया वाहन चेकिंग का अभियान। रॉन्ग रूट पर चलने, बिना कागज और बिना हेलमेट के वाहन चालकों का काटा गया चालान। अब मुझे दी इजाजत। नमस्कार।